हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्विंग ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले तीन ऐसे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में जिन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग कह सकते हैं या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तीन स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं वो लेके आया हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा यहाँ पे स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई करने के बाद में मार्केट का इतना डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी कि थोड़ा करेक्शन है, शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, लेकिन थोड़ा सा हमें देखते हैं तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे थोड़ा बुलिश स्टॉक ढूंढ पाना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आज तीन ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जिन स्टॉक्स में हम लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए एज ए स्विंग ट्रेडिंग कंसिडर करके इन स्टॉक को चल सकते हैं, और विद इन 1 to 3 वीक में आप 1 से 2 वीक 3 वीक में भी हमारा जो 2 वीक का यहाँ पे टारगेट है वो लेके हम लोग व्यू बना के इन स्टॉक्स में जो भी हमारा स्विंग ट्रेडिंग करना है वो करके अच्छा कंसिडर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो पिछले जो स्टॉक्स दिए थे मैंने लास्ट वीक में, वो स्टॉक्स में से भी काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे अभी तक मिला है, और एक स्टॉक में हमारा कोई लेवल नहीं आया तो ठीक है, हमारा कोई लेवल नहीं बनता है तो उसके ऊपर हमें ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना ऐसे स्टॉक को। नेक्स्ट वीक में हम उन स्टॉक के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी करंट में हमें तीन स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स है ज़बरदस्त यहाँ पे इन स्टॉक्स में भी पैटर्न और जो इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट जो गिरावट वाला मार्केट है उसमें ये स्टॉक्स में अच्छा बुलिशनेस दिखाया है, तो तीनों स्टॉक्स में आप लोग के साथ प्रॉपर एंट्री एग्जिट टारगेट जो भी है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो के एंड में वो स्टॉक्स भी दिखाऊंगा जिन स्टॉक्स ने अच्छा प्रॉफिट दिया अभी तक और 7 to 9% रिटर्न अभी तक इन स्टॉक्स में देखने को मिला है। तो होल्ड जो भी स्टॉक्स में हमारा टारगेट अभी तक हुए नहीं है तो होल्ड करें, और विद स्टॉप लॉस के साथ वो मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करें आज के चार्ट ऑफ द ये स्विंग ट्रेडिंग का फर्स्ट स्टॉक। उससे पहले आप लोग ने हमारा चार्ट ऑफ द वीक का वीडियो नहीं देखा तो वीडियो भी जाके देख सकते हो, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो भी काफ़ी अच्छे वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहे थे, तो वो स्टॉक्स मैंने शेयर किया तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जाके देख सकते हो। तो चलिए आज का हमारा चार्ट यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का फर्स्ट स्टॉक है कैनरा बैंक। ठीक है, तो कैनरा बैंक का चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है, और इसमें इतने अच्छी गिरावट के बाद में भी ये स्टॉक्स ने अपने आप को देखे कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल रहा, तो काफी स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक मुझे लग रहा है। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक को हम लोग बाइंग करेंगे, इसके हाई के ऊपर निकलेगा तब बाइंग करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक है शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और जिस भी चीज़ के बारे में क्वेरीज या आप लोग का क्वेश्चन है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो का जो एनालिसिस कैसे लगती है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आज का जो तीनों स्टॉक्स मैंने आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ उनमें से कौन सा बेस्ट स्टॉक्स आप लोग को लगा वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताए। तो दोस्तों कैनरा बैंक का देखिए यहाँ पे कंटिन्यू अपने अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे कभी भी स्टॉक्स ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और कोई ना कोई यहाँ पे बेस बनाता है या यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनाया उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक अच्छा यहाँ पे फ्लैग पैटर्न यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न टाइप यहाँ पे बनाया है, और आप आके इसके हाई के ऊपर गया तो जरूर था लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देखेंगे ना कैनरा बैंक में तो जबरदस्त यहाँ पे वॉल्यूम में भी अच्छी, या इस कैंडल के ऊपर आप वॉल्यूम देखें जबरदस्त यहाँ पे वॉल्यूम आया, तो इस स्टॉक को हम लोग एज ए स्विंग ट्रेडिंग नेक्स्ट वीक के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो कैनरा बैंक में हम लोग हमारी जो एंट्री प्राइस होगी 385 के ऊपर, अभी करंट प्राइस जो है 380 का है और इसका हाई के ऊपर निकलेगा 385 के ऊपर, तो हम यहाँ पे एक हमारे एंट्री पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा 400 का होगा, सेकंड टारगेट 412 का होगा 412 का, और फाइनल टारगेट होगा हमारा 425 425 का। इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस बनेगा हमारा वो रहेगा इस स्विंग कैंडल का लो पॉइंट रहेगा तो 370 to 360 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल के लो पॉइंट के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इस यहाँ तक रखना है तो ये आपका थोड़ा बड़ा रहेगा,
ये लो के नीचे, लेकिन आप इस कैंडल का, क्योंकि बड़ी कैंडल है, इसमें भी जो बढ़त हुई है ना बहुत ही ज़्यादा इसमें हुई, तो ये बढ़त के हिसाब से हम लोग इस कैंडल का लो पॉइंट भी स्विंग ट्रेडिंग जो स्टॉप लॉस है वो हम लोग ले सकते हैं। तो इसके नीचे जाता तो हमारे जो भी यहाँ पे लॉस बुक करके हमें एग्जिट कर लेना है। तो इस कैनरा बैंक को एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट जो अगला स्टॉक है हमारा टोरेंट फार्मा, ठीक है, ये स्टॉक्स में भी जबरदस्त एक अच्छा अप ट्रेंड में कंटिन्यूशन कर रहा है। तो कंटिन्यूशन करते करते यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यूशन पैटर्न भी बना है जिसे हम ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। इसमें देखिए दो पॉइंट हमने यहाँ पे मिला है और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, ऊपर की तरफ भी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ इसको अभी ऊपर निकलना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग भी देनी पड़ेगी। ये जो विक्स दिख रहे हैं ना, ये तीन चार कैंडल बनी हुई, अब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और इस ट्रेंड लाइन का भी अपर एंड है, तो इसको निकालता है इसके ऊपर जस्ट नेक्स्ट वीक में मंडे को अगर इसके ऊपर एक डे कैंडल 15 मिनट का क्लोज देता है तो फिर हम लोग यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग। टोरेंट फार्मा में हम लोग यहाँ पे जो हमारी एंट्री प्राइस है वो होगी हमारी 950 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2000 का रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 2100 का सेकंड टारगेट रहेगा। ये आप टारगेट इस स्टॉक्स में लेके चल सकते हो। इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 900 का जो कि निकल के आ रहा है आपका इस लो पॉइंट के नीचे का, इनके आप SL को रख के ये टारगेट के लिए यहाँ तक टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको भी अपनी वॉचलिस्ट में स्टॉक को जरूर एडिट करें। मुझे काफ़ी अच्छा ये पैटर्न लगा तो ये बहुत ही फास्ट मोमेंटम हमें नेक्स्ट 1 से 2 वीक में देखने को मिल सकता है। तो ये विद इन 15-20% का आपको रिटर्न ये स्टॉक देख के जा सकता है, तो इसके ऊपर भी जरूर नज़र बनाए रखें। नेक्स्ट जो अगला स्टॉक है हमारा वो हम यहाँ पे नॉलेज हेनरीज, यहाँ पे इस स्टॉक को हम देख रहे हैं तो ये स्टॉक को मैं आप लोग को सिंगल नॉलेज मैनरीज इंजीनियरिंग लिमिटेड का ये चार्ट आप देख रहे हैं और इस स्टॉक में भी देखिए कंटिन्यूशन अपने अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी रैली हुई और रैली होने के बाद में फिर से अपने एक सपोर्ट के आसपास आके यहाँ पे एक अच्छी बुलिशनेस कैंडल बनाई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम मुझे डाउटफुल लग रहा है। तो इसके हाई के ऊपर निकलेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारी पोजिशन बना सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो जो इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो ये नॉलेज मेनरीज इस स्टॉक में हम लोग जो भी हमारा एंट्री प्राइस बनता है वो बनता है यहाँ पे 1425 का, जो इस कैंडल के हाई करंट प्राइस है क्लोजिंग प्राइस, इसके ऊपर हाई के ऊपर निकले तो हम बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1475 का रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा 1522 का रहेगा और फाइनल टारगेट रहेगा 1688 का। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम लोग 1377 का, जो कि आपको निकल के आ रहा है यहाँ पे इस कैंडल का लो पॉइंट कहीं गई, यहाँ पे जो गैप है ना इसके आसपास कहीं के आपका स्टॉप लॉस रहेगा और इस टारगेट तक के लिए आप लोग यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। यहाँ से इजीली यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ये हो गया हमारा तीनों स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के, इनमें कोई भी आप लोग का सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। अब चलते हैं हम लास्ट वीक में मैंने जो स्टॉक दिया था उनके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो लास्ट वीक में मैंने दोस्तों आप लोग को दिया था खादिम इंडिया लिमिटेड का चार्ट है ये, और इस स्टॉक को मैंने कहाँ पे 370 के ऊपर बाइंग दिया। तो ये स्टॉक में भी अभी तक अराउंड 7-8% का रिटर्न इस स्टॉक में मिला है। सेकंड जो स्टॉक में दिया था पेटीएम में हमारी एंट्री प्राइस बनी नहीं है अभी तक, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट स्टॉक है अभी भी TC, तो इसको भी हम लोग देख रहे थे। देखिए ये स्टॉक में मेरे को कहाँ पे आप लोग के लिए बाइंग के दिया था 1420 के ऊपर दिया था, तो ये स्टॉक में भी अराउंड हमारा जो 1514 का यहाँ पे लेवल इसने टच किया, यानी कि 100 पॉइंट का मूवमेंट, 4 से 5% का मूवमेंट इसमें भी हुआ है। तो होल्ड करें, अगर आप लोग ने बाइंग किया तो होल्ड करें और विथ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करके चलते रहें अपने टारगेट की ओर, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इन स्टॉक ने रिटर्न भी दिया है, तो होल्ड करें 1 वीक और इसमें अच्छा प्रॉफिट गेन करके एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।